नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टॉक पर। तो चलिए जानते हैं बड़ी और ताजा खबरें। सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध, बढ़ती कीमतों के चलते लिया फैसला। बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द, वहीं राज्यसभा में वक्फ कानून रद्द करने का विधेयक पेश। राजस्थान की गायों के देसी घी से होगी रामलल्ला की पहली आरती, 1200 किलोमीटर दूर से लाया गया 650 किलो घी। अस्पतालों व शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई से भुगतान की सीमा बढ़ाई गई, अब 5 लाख रुपए तक कर सकेंगे भुगतान। हवाई किराए के लिए एमएसपी लाने की मांग, एयरलाइंस यात्रियों से वसूल रही अतार्किक और ज्यादा किराया। बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा में होगी कोहरे की दस्तक, रात का पारा 4 डिग्री तक गिरेगा, कम होगी धूप की तपिश। महुआ की सांसदी रद्द, आचार समिति की सिफारिश मंजूर, टीएमसी नेता बोली या बीजेपी के अंत की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, मेरे तीसरे कार्यकाल में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आएगा भारत, धन्ना सेठों को पीएम मोदी ने दिया संदेश। मदनी का बयान, अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई थी बाबरी मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ साफ। सुखदेव मर्डर केस में बड़ा खुलासा, कार चालक का खुलासा, सुखदेव को गोली मारने वाले शूटरों को सुजानगढ़ छोड़ा, फिर बस से चले गए। भारत ने 5 और देशों को गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी, आधिकारिक अधिसूचना जारी। सरकार जनवरी से मार्च के दौरान बाजार में 2.5 मिलियन टन गेहूं उतारेगी, खाद्य सचिव ने दी जानकारी। वहीं पतंजलि 10,000 करोड़ का करेगी निवेश, बाबा रामदेव ने कॉरपोरेट से किया आह्वान। शेयर बाजार नए रिकॉर्ड हाई पर, सेंसेक्स 303 अंक उछला, निफ्टी पहली बार 21,000 के पार पहुंचा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।